हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर्व। मैं दुष्यंत एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ स्टैटिक जीके की क्लास को लेकर। तो दोस्तों, ये आज आपका अनुसंधान के ऊपर जो मैंने पार्ट वन आपको पहले ही मिल चुका है, जो अपलोड हो चुका है, उसी का ही पार्ट टू लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, ये जो पार्ट टू है, इसमें भी हम जैसे मैंने पार्ट वन में आपको एक ही वीडियो के माध्यम से हर चीज को, जो भी फैक्ट अदर थे, सब पढ़ाए थे, उसी प्रकार से ऐसे ही मैंने इस वीडियो में इसी प्रकार से कंटेंट को फ्रेम किया है और मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए बिगर किसी देरी के करते हैं क्लास को आगे स्टार्ट। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, भारत के प्रमुख शोध संस्थान एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। पार्ट वन मिल चुका है, पार्ट टू है ये आपका। इधर मैंने शोध संस्थान लिखे और ये आपके संस्था है जहाँ पे वो इनके मुख्यालय है, उनसे जुड़े हुए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी बन सकते हैं आपके सामने लेकर आया। चीफ मिनिस्टर हो चाहे वहां के गवर्नर हो, ठीक है, सब एक ही वीडियो के माध्यम से, वहां के लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, सभी एक वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं, जो भी भाई बहन नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करें जरूर और बताएं हमें कि आपको कॉन्टेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट। यह शोध संस्थान लिखा है वन अनुसंधान संस्थान। तो जो वन अनुसंधान संस्थान है आपका कहां पे पड़ता है? देहरादून के अंदर पड़ता है ये आपका वन अनुसंधान संस्थान। अच्छी तरीके से याद करेंगे तो साथ के साथ में नोट करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। राजधानी आपकी उत्तराखंड की ये राजधानी है देहरादून, और देहरादून से जो भी फैक्ट बन सकते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी कहां पे पड़ता है? देहरादून के ही अंदर पड़ता है। मुझे ये देहरादून बसा हुआ है, दून इस जो देहरादून बाद में दून लगा हुआ है ना, दून इसीलिए है कि क्योंकि ये दून घाटी में बसा हुआ है, जो हिमालय की दून घाटी है उनमें आपका देहरादून बसा हुआ है। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान जो है ये पड़ता है आपका राजमुंद्री। राजमुंद्री आपका कहां पे? आंध्र प्रदेश के अंदर राजमुंद्री पड़ता है, जो कि आपकी गोदावरी जिले में है। कहां पे? गोदावरी जिले में पड़ता है। और जो ये राजमुंद्री है, इसका जो पुराना नाम था, पुराणों में इसका नाम देखोगे, जो पुराना नाम था वो था आपका राजा महेंद्र वर्म। राजा महेंद्र वर्म इसका पुराना नाम था राजमुंद्री का। तंबाकू निषेध दिवस कैसे बनाया जो जाता है आपका 31 मई को आपका तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, आगे चलते हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। जो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है ये आपका चेन्नई में पड़ता है, जो कि आपकी तमिलनाडु की राजधानी है वर्तमान में चेन्नई। और जो चेन्नई का पुराना नाम था वो क्या था आपका? मद्रास था। मद्रास चेन्नई का पुराना नाम था। जो चेन्नई है वर्तमान में आपका चौथा सबसे बड़ा महानगर है। कौन सा? चौथे नंबर का सबसे बड़ा महानगर है। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां आपकी कहां पे पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है, जो कि आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु भी कहते हैं आपका नीलगिरी की पहाड़ी को ही। और नीलगिरी की पहाड़ी का जो सबसे ऊंची चोटी है दौदा बेटा, बाकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बात करते हैं आगे। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। जो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है ये आपका जादूगोड़ा। जादूगोड़ा की जो खान है ये पड़ती है आपकी झारखंड के अंदर पड़ती है। ये किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए फेमस है। यूरेनियम सबसे ज्यादा जो भारत में उत्पादित किया जाता है जादूगोड़ा की खान से उत्पादित किया जाता है। सिंहभूमि जिले के अंदर पड़ता है। और जो ये जादूगोड़ा की जो खान कार्यकृत है, कब से शुरू की गई थी? 1967 से ये कार्यकृत है जादूगोड़ा की जो खान है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हम। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। तो लाख अनुसंधान संस्थान आपका रांची के अंदर है, जो कि वर्तमान में राजधानी किसकी है? झारखंड की राजधानी है वर्तमान में। आपका जो रांची में एक फेमस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, कौन सा? जेएससीएल आपका इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। जो यहाँ के गवर्नर है वो है आपके रमेश बैस, आपके वर्तमान में झारखंड के गवर्नर है। और जो सीएम है वो है आपके हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के आपके सीएम है। ठीक है, याद रखेंगे, आगे चलते हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है, जो कि वर्तमान में आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है आपका? लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ से और भी फैक्ट जानते हैं, आपका छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है, गोमती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। यहाँ से राज्यसभा की सीटें आपकी कितनी आती है, 31 राज्यसभा की सीटें आती है और लोकसभा की सीटें 80 आती है, ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, जो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान है ये आपका रुड़की में पड़ता है। रुड़की जो आपकी आपका उत्तराखंड की एक शहर है, काफी बड़ा शहर है आपका रुड़की उत्तराखंड का। जो उत्तराखंड है ये सन 2000 में आपका उत्तर प्रदेश से ही काटकर बनाया गया था उत्तराखंड। जो रुड़की है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और जो आपका उत्तराखंड की जो राजधानी है वर्तमान में देहरादून है, ठीक है। आगे चलेंगे, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपका गांधीनगर में पड़ता है। वर्तमान में जो ये राजधानी है किसकी है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और जो यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। और सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम है। यहाँ से राज्यसभा की सीटें आती है आपकी 11 और लोकसभा की सीटें आती है यहाँ से आपकी 26, ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है आपका कहां पे पड़ता है, पणजी में पड़ता है। पणजी किसकी वर्तमान में राजधानी है, गोवा की राजधानी है। और गोवा के ही तट को आपका कौन को कड़ी तट कहा जाता है, ठीक है। और आपका भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा ही है। और गोवा को जो आजादी दिलाई गई थी सबसे लास्ट में 1961 में भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से आजाद कराया था 1961 में, याद रखेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं, भारतीय खगोल संस्थान कहां स्थित है, भारतीय खगोल संस्थान आपका बेंगलोर में है, जो कि वर्तमान में कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, कर्नाटक से याद रखेंगे। काफी बार पूछा गया फैक्ट है, कर्नाटक का जो नृत्य है यक्षगान वहां का नृत्य है। आगे चलते हैं, ये आपका जो बेंगलोर है तीसरा सबसे बड़ा महानगर है आपका बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर को ही सिलिकॉन वैली बेंगलोर को ही कहा जाता है। और जो पुराना नाम था इसका कल्याणपुरी, पुराणों में जो इसका पुराना नाम है कल्याणपुरी बेंगलोर का कर्नाटक का पुराना नाम है, ठीक है। आगे चलेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है ये आपका कहां पे पड़ता है, हैदराबाद में पड़ता है। वर्तमान में राजधानी किसकी है, तेलंगाना की राजधानी है आपका। चार मीनार कहां पे पड़ता है आपका, हैदराबाद के ही अंदर पड़ता है। और जो हैदराबाद की स्थापना की थी कुली कुतुब शाह ने की थी। आपका जो हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे आपका हैदराबाद बसा हुआ है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये भारत के प्रमुख शोध संस्थान और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पार्ट 2 था, पार्ट 1 आपको मिल चुका है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।